हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे फास्ट ट्रैक कोर्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज नया लेक्चर में नया चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स। स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर में। फास्ट ट्रैक कोर्स का मतलब आप समझते ही होंगे, जिसमें हम एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के समझ के समाप्त कर देंगे। हम अच्छे से उसका रिविज़न कर लेंगे एनसीईआरटी बेस्ड पर। एनसीईआरटी से थोड़ा लेवल अप ही रहता है कि कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो हम अच्छे से आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हमारा लेक्चर है फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसमें हमें कम से कम टाइम में चैप्टर को अच्छे से समाप्त कर लेते हैं पढ़ के। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि जेनेटिक्स। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्स है, एक लेक्चर में पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर। तो पहले इंट्रोडक्शन आता है, जेनेटिक्स होता क्या। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, ये तो पता होगा। टर्म कॉइंड बाय बैटिसन, बैटिसन ने ये टर्म कॉइन किया था। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स ये हैं मेंडल हो गए, बैटिसन हो गए, कौन थे ये? हाँ, मॉर्गन थे। एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स मॉर्गन है। ठीक है, ये था हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिट होता है यानी कि जो भी जीन फादर से ऑफस्प्रिंग में जाता है, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, उसे बोलते हैं इनहेरिट। और वेरिएशन, कुछ वेरिएशन भी तो आएगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स मतलब ये होता है कलेक्टिव स्टडी ऑफ, इन दोनों को स्टडी करते हैं, कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अभी जो हमारे जेनेटिक्स में कुछ टर्म यूज होंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे फैक्टर क्या होता है, अलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटरोजाइगस क्या होता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोकॉपी, प्लियोट्रोपिक, प्लियोजेनिक, ये सब होते क्या, इन सब का मतलब क्या, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला एक टर्म आता है फैक्टर। फैक्टर को हम आज किस नाम से जानते हैं? फैक्टर को हम आज नाम से जानते हैं जीन नाम से जानते हैं। फैक्टर को हम जीन नाम से जानते हैं। ये जीन नाम किसने दिया था? जोहानसन बर्ग ने दिया था, जोहानसन ने दिया था। अब फैक्टर किसने कहा था पहली बार, किस साइंटिस्ट ने फैक्टर टर्म का यूज किया था? थे कौन? मेंडल थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि जॉर्ज मेंडल थे। ठीक है, जॉर्ज जोहान मेंडल थे। पहला है फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर टर्म किसने दिया था? मेंडल साहब ने दिया था। ठीक है, फैक्टर वो होता है, जीन होता है, वो उसे फैक्टर बोलते हैं हम। यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, एक हेरिडिटी की एक यूनिट को हम बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर का यूज सबसे पहले किसने किया, कहा था? मेंडल ने किया था। मेंडल ने बताया था कुछ है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, इनहेरिट होता है, इनहेरिट होता है, उसको क्या बोला था? फैक्टर या एलिमेंट बोला था। वही वहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है और वही वेरिएशन ला रहा है। फैक्टर की वजह से वेरिएशन आता है, इनहेरिटेंस वही होता है, फैक्टर ही इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, उसे एलिमेंट बोला था, फैक्टर और एलिमेंट बोला था, मेंडल ने बताया था। लेकिन कुछ टाइम बाद जोहानसन आए, उन्होंने बोला फैक्टर नहीं, इसका नाम जीन है, उन्होंने उस फैक्टर को जीन बोला। तब से हम इस फैक्टर को जीन नाम से जानते हैं। ठीक है, जीन नाम से जानते हैं। उसके बाद आता अलील क्या होता, अलील क्या होता है? फैक्टर जो होता है वो पेयर में होता है, उसे हम बोलते हैं अलील। ठीक है, अगर जो भी मान लीजिए फैक्टर है टी, कैपिटल टी, तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील, एंड आर प्रेजेंट इन सेम होमोलोगस क्रोमोजोम, एंड प्रेजेंट इन होमोलोगस क्रोमोजोम। अलील कहाँ पर प्रेजेंट होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है, ये फैक्टर है, ये अलील है। ठीक है, अलील कहाँ पर प्रेजेंट होता है? होमोलोगस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद आता है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस, कैपिटल टी कैपिटल टी, अगर दोनों वर्ड सेम है तो होमोजाइगस होगा, ये भी होमोजाइगस है और
ये भी होमोजाइगस। हेटरोजाइगस क्या होता है? इसका मतलब होमोजाइगस। हेटरोजाइगस मतलब दोनों अलग अलग होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेटरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ठीक है। और हेमीजाइगस एक वर्ड आता है, हेमीजाइगस क्या होता है? हेमीजाइगस मतलब होता है आधा, हेमीजाइगस। सेक्स लिंक जीन ऑफ फीमेल, मेल में जो सेक्स लिंक क्रोमोजोम होता है वो कैसा होता है? एक्स और वाई होता है। देखिए एक्स भी आधा है, वाई भी एक ही है, एक्स भी एक ही है, वाई भी एक ही, एक दोनों डबल नहीं है। तो जो जीन अलील होता है वो पेयर में होता है, तो इसका भी एक्स अलग है वाई अलग है। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हेटरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी तो हेमोजाइगस। यहाँ पे एक एक्स है एक वाई है, तो एक्स भी आधा है वाई भी आधा, तो इसे बोलते हैं इसे हेमीजाइगस। जो सेक्स लिंक क्रोमोजोम मेल में होता है वो हमेशा हेमीजाइगस होगा। अगर सेक्स लिंक क्रोमोजोम इन फीमेल में देखें तो ये होमोजाइगस है, ये मेल का है, ठीक है। एक्स वाई मेल होता है, एक्स एक्स फीमेल होता है, ये होगा होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, हेमीजाइगस। अब जीनोटाइप क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप यानी कि पर्सनल अपीयरेंस, बाहर से जो हमें देख के पता लग जाता है वो फिनोटाइप होता है। जो उसका जीन का अपीयरेंस होता है वो होता है जीनोटाइप। जीन का अपीयरेंस देखिए, कैपिटल टी इसका मतलब होता है टॉल है, स्मॉल टी डॉर्फ है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है। तो देखिए हमें बाहर से कैसे पता लगा, ये टॉल है, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, तो फिनोटाइप हो गया दो टॉल एक डॉर्फ है, 2:1। अब जीनोटाइप कितना लगा, यहाँ पे दोनों कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, 1:1:1। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर पता चल गया। जीनोटाइप जो उसके एलील का सीक्वेंस है वो फिनोटाइप, मतलब बाहर से देख के हमें कैसे पता लगेगा, बाहर से तो दोनों टॉल दिख रहे हैं लेकिन इसका जीन सेम तो नहीं है ना, अलील सेम नहीं है ना दोनों का, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग अलग होता है, ठीक है। एक वर्ड और है प्लियोट्रोपिक और पॉलीजेनिक। प्लियोट्रोपिक में क्या होता है, एक जीन, ठीक है, कई सारे करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसे बोलते हैं प्लियोट्रोपिक। एक जीन कई सारे करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक, ठीक है। एक जीन कई सारे, मोर देन वन करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक। और पॉलीजेनिक क्या होता है, वन करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई मोर देन वन जीन, एक करेक्टर को कई सारे जीन अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो पॉलीजेनिक होता है। यहाँ पे एक दो तीन जीन है, यहाँ पे एक करेक्टर है, ठीक है, तीन जीन मिलके एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे एक जीन मिलके, एक जीन तीन करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अगर तीन करेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है एक जीन से तो होता है प्लियोट्रोपिक, अगर एक करेक्टर कंट्रोल हो रहा है मोर देन वन जीन तो वो होता है पॉलीजेनिक, ठीक है। प्लियोट्रोपिक पॉलीजेनिक, आप इन सब टर्म का अंतर मतलब समझ गए होंगे। होमोजाइगस क्या होता है, हेटरोजाइगस, हेमीजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्लियोट्रोपिक, पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक और फैक्टर और अलील क्या होता है, आप इन सब के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं मेंडेलिज्म पे। मेंडेलिज्म पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए, वरना आपको एनसीईआरटी आपने, ये तो रिवीजन चल रहा है तो यहाँ पर अच्छे से नोट्स नहीं बताए जाएंगे, सब आपको टर्म एक एक अच्छे से समझाए जाएंगे पर नोट्स नहीं लिखवा पाएंगे, क्योंकि नोट्स लिखवाएंगे तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नोट्स तो आपको हम मान के चलते आपके पास होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी है आपके पास, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना, आपको बस एनसीईआरटी ही पढ़नी है, आप एनसीईआरटी को कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए, ठीक है, जितनी बार आप पढ़ सके उतनी बार पढ़िए, एनसीईआरटी उतनी ही बढ़िया है, ठीक है। मेंडेलिज्म, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, मेंडल ही थे, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, मेंडल थे, जॉर्ज जॉन मेंडल। इसलिए उनके जो उन्होंने काम किया, उनके काम का सक्सेस का कारण क्या था, फेलियर का कारण क्या था, उन्होंने काम किस प्लांट पे किया था, वो सब हम पढ़ेंगे मेंडेलिज्म पर, ठीक है। उनका काम कितना सालों तक किसी को पता नहीं चला, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ लेते मेंडल ने काम किया था,
क्या क्या किया था? ही वर्कड ऑन ए पी प्लांट, ही वर्कड ऑन अ पी प्लांट फॉर 7 ईयर, 1856 से 1863 के बीच में इन्होंने एक पी प्लांट पर 7 साल काम किया, यानी कि 1856 से लेकर 1863, ये डेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पी वाई क्यू अगर आप कर रहे हैं तो ये डेट आपको दिखा होगा, कहीं ना कहीं दिखा होगा, 1856 से लेकर 1863 तक किया था, 7 सालों तक किया था। 1 ईयर फॉर 1 करेक्टर और 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। एक साल में उन्होंने केवल और केवल एक करेक्टर को स्टडी किया था। एक करेक्टर यानी कि 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, करेक्टर यानी कि टॉल, ये ले लिया तो 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड क्या होगा, टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है, ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गया। एक करेक्टर है टॉल, तो टॉल में टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है, इसका कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है। तो उन्होंने 7 सालों तक काम किया था, यानी कि 7 करेक्टर लिए थे, कितने करेक्टर लिए थे, 7, ठीक है। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बोले हम, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बोले कितने लिए थे, तो 14। सेवन पेयर और 14, ठीक है, 7 पेयर बोली या 14, 7 पेयर यानी कि 14 हो गया। एक साल उन्होंने एक करेक्टर को स्टडी किया था, या 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड, और कौन कौन से उन्होंने करेक्टर लिया था उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जो मेंडल थे उन्होंने एक पी प्लांट पर 7 सालों तक काम किया, कब से, 1856 से लेकर 1863, एक करेक्टर के लिए उन्होंने 1 साल पूरा दे दिया, 1 साल एक करेक्टर की स्टडी किया, ऐसे 7 सालों तक 7 करेक्टर को उन्होंने स्टडी किया। 7 करेक्टर यानी कि 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है, जैसे टाल है, टाल डॉर्फ हो गया, 7 करेक्टर तो स्टडी 7 सालों तक किया। तो कौन कहाँ से, किस ईयर से लेकर किस ईयर तक पी प्लांट पे उन्होंने वर्क किया, ये पूछा गया था नीट में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से करेक्टर हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड से, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से पेपर में, तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग याद रहना चाहिए आप लोगों को। सेवन करेक्टर पहला, दूसरा, तीसरा, स्टेम हाइट, टॉल, ड्वार्फ, तो ये 7 करेक्टर थे, कौन कौन से, स्टेम हाइट लिया था उन्होंने एक करेक्टर, एक करेक्टर लिया था फ्लावर कलर, दूसरा नेक्स्ट करेक्टर फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो इसमें क्या क्या था, स्टेम हाइट टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ, वाइट, वायलेट वाइट, जो फ्लावर का कलर रहता है वायलेट होता है, वाइट, जो ये वाला है इधर वाला डोमिनेंट करेक्टर है, डोमिनेंट
इधर वाला रेसेसिव, ठीक है। ये रेसेसिव करेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट्स है, ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, ये रेसेसिव ट्रेट्स है। तो वायलेट और वाइट, एक्सियल टर्मिनल, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, ग्रीन येलो, राउंड रिंकल, येलो ग्रीन, जो पॉड सीड का कलर है, ये देखिए यहाँ पे सीड कलर, फ्लावर कलर, देखिए सीड कलर और पॉड कलर में, देखिए पॉड कलर में जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है, लेकिन सीड के कलर में येलो जो है वो डोमिनेंट है। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, ये आपको याद करके चलना है, ये आपको सारी टेबल याद होनी चाहिए जो एनसीईआरटी में बनी, जो यहाँ पे सारे के सारी जीन हैं इनके, जैसे स्टेम के हाइट का जीन्स, फ्लावर के कलर का जीन्स, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम नंबर 1, 4, 5, 7 पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, 1, 4, 5, 7 पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो करेक्टर पहले क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होते हैं, तीन करेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और बाकी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दो करेक्टर यहाँ पे होते हैं, तीन करेक्टर यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ, 2, 3, 5, 2, 7 करेक्टर होते हैं, तो 7 जीन होगा। तो पहले क्रोमोसोम पर 2 जीन हो गए, चौथे क्रोमोसोम पर 3 जीन होते हैं, पाँचवें पे 1, सातवें पे 1। तो पहले क्रोमोसोम, फोर्थ क्रोमोसोम, फाइव क्रोमोसोम, सेवन क्रोमोसोम पर इनके जीन प्रेजेंट होते हैं, 1, 4, 5, 7 क्रोमोसोम पर इनके जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये था, अब इनकी पहली पढ़ते हैं, मेंडल का काम हमसे 34 सालों तक क्यों छुपा रहा, उनका काम पब्लिश क्यों नहीं हो पाया, वो फेल क्यों हो गए। पहली बात, जैसे इस टाइम पर सोशल मीडिया का ज़माना, आप किसी भी चीज़ पब्लिश करना, वीडियो बनाया पोस्ट कर दिया, कुछ भी लिखा नोट्स बनाया पोस्ट कर दिया, आप सबके पास पहुंचा सकते। लेकिन उस टाइम पे कब, 1863 में, 1856 से 1863 उन्होंने स्टडी किया, सब लिखा जोखा अपना बनाया, रिसर्च पेपर ले कर, तो वहाँ पे पोस्ट करने का कोई इतना आसान माध्यम नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था लोगों तक पहुँचाना, तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये था कि उन्होंने पहली बार बायो में मैथमेटिक्स का यूज किया, ठीक है, पहली बार मैथमेटिक्स का यूज किया, जो किसी साइंटिस्ट के दिमाग में नहीं आया था, ना किसी ने यूज किया था और ना किसी को समझ में आया, तो दूसरी कारण हो गए। तीसरी कारण, उन्होंने फैक्टर यानी कि जीन का उपयोग किया था, जो कि एक डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर, उनके पास उसका कोई प्रूफ नहीं था। ये इन तीनों चार वजहों की वजह से उनका जो एक्सपेरिमेंट था हमसे छुपा रह गया, ठीक है, ये था। अब मेंडल की सक्सेस का कारण क्या है, मेंडल सक्सेस क्यों हो गए, जो रिजल्ट पाने में क्यों हो गए, इसके भी कुछ रीज़न है, फेल होने के भी रीज़न है, पास होने के भी कुछ रीज़न है। पहला रीज़न क्या था, उन्होंने पी प्लांट को चुना, पी जो एनुअल प्लांट है, यानी कि उसका लाइफ स्पैन है 2 से 3 मंथ है, 2 से 3 मंथ उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब लाइफ स्पेन छोटा है तो उसे शॉर्ट टर्म में रिजल्ट मिल जाता था, जो भी इसे एक्सपेरिमेंट करके सीड बनने तक का केवल 2 से 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, लाइफ स्पेन छोटा है, पहला सक्सेस का रीजन। दूसरा, एक मेटिंग में, ठीक है, एक बार पॉलिनेशन में यानी एक बार फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मिलते थे पी प्लांट से, दूसरा रीजन, और पी प्लांट को आसानी से कल्टीवेट कर सकते थे, तीसरा रीजन, पी प्लांट में इतने सारे, एक ही पी प्लांट में इतने सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, इतने सारे करेक्टर मिल गए, चौथा रीजन, ठीक है, पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन पाया था, पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन पाया था, एक रीजन और मिल गया, ठीक है, इतने सारे रीजन थे। और सेम पहला रीजन के और क्या रीजन था, उन्होंने हर एक करेक्टर को एक साल देकर स्टडी किया, अगर हम एक ही साल में 4 करेक्टर ले लेते तो हम अच्छे से उसका स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है। और उनका एक रीजन सक्सेस होने का एक रीजन ये रहा कि हर करेक्टर को उन्होंने 1 ईयर दिया और हर करेक्टर का जो उनका रिजल्ट आता था उसे लिख कर रखते थे, कितने डोमिनेंट है, कितने रेसेसिव है, कितने क्या है, ये सब उन्हें लिख कर रखते थे, ये था उनके सक्सेस होने के कारण रिजल्ट, ठीक है। पी प्लान की लाइफ स्पैन छोटी होती है, 2 से 3 मंथ, एक फर्टिलाइजर में कई सारे ऑप्शन पैदा होते हैं, उनसे पी प्लांट को कल्टीवेट आसानी से किया जा सकता है, पी प्लांट में नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, पी प्लांट में और इतने सारे करेक्टर पाए जाते हैं एक ही पी प्लांट में, सब मिल गया उन्हें, उस वजह से उनका सक्सेस होने का रेशियो बढ़ गया। तो लेकिन फिर भी सक्सेस तो हो गए, लेकिन कब सक्सेस हो गए, जब 3 साइंटिस्ट ने मेंडल को डिस्कवरी को रीडिस्कवर किया, मेंडल की डिस्कवरी को रीडिस्कवर किया, अलग अलग इंडिपेंडेंटली 3 साइंटिस्ट आए थे, ठीक
ठीक है, तीन साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मेंडल की डिस्कवरी को रीडिस्कवर किया इंडिपेंडेंटली। कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो? इंडिपेंडेंटली का मतलब तीनों अलग अलग, ये नहीं कि मिलजुल कर तीनों काम करके मेंडल की थ्योरी को फिर से रीडिस्कवर किया, डिस्कवरी को नहीं, तीनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, तीनों अलग अलग जगह के थे, तीनों ने मिलके तीनों अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तीनों एक ही रिजल्ट पे पहुंचे जो मेंडल बहुत पहले पहुंच गया था, और किसी को बात समझ में नहीं आती। लेकिन अब तो 34 साल हो गए, अब लोग समझने लगे थे। कौन से साइंटिस्ट? कार्ल कोरेंस, वॉन टेस्मार्क और ह्यूगो डेविस, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल की डिस्कवरी को रीडिस्कवर किया था। ठीक है, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेविस, एरिक वॉन टेस्मार्क, ठीक है, उन्होंने मेंडल की डिस्कवरी को रीडिस्कवर किया। तब हमें पता चला कि तब मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बुलाया गया, तब मेंडल को बहुत सारी उपाधियां मिली, तब मेंडल को सभी लोग जान गए, उससे पहले कोई नहीं जानता था। ठीक है, उससे पहले कहाँ कोई जानेगा, उसकी जो काम थी उस पब्लिश ही नहीं हुई, तो जानेगा कोई नहीं जानेगा। इन तीन साइंटिस्ट की वजह से मेंडल को जान पहचान मिल गई, लेकिन तब तक मेंडल इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो स्वर्ग को सिधार चुके थे। ठीक है, तो मरने के बाद उन्हें पूरी नाम, इज्जत, शौहरत सब मिला, लेकिन मरने से पहले नहीं मिला, मरने के बाद मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये मेंडल के बारे में हो गया, अब हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। हाँ, एक और मेंडल क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे करते थे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी, ईमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ये आपने क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन हम फिर से पढ़ लेते हैं, ईमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक होता क्या है। ठीक है, ईमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, ईमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, इसमें ईमेस्कुलेशन क्या आता है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें मेल प्लस फीमेल पार्ट दोनों होंगे, तो मेल पार्ट यानी कि स्टेमन को कट कर दिया जाता है, स्टेमन को काट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है उस फ्लावर से, बाइसेक्सुअल फ्लावर में से स्टेमन पार्ट को निकाल जाता है, इसका इमेस्कुलेशन कर दिया जाता है, नपुंसक बना दिया जाता है फ्लावर को, यानी कि तब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा ना, तब यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। अगर मेल पार्ट यहाँ पे रहता है, स्टेमन रहता है, तो यहाँ का पोलन इसके स्टिग्मा पर जाके पोलिनेशन कर देता, अगर यहाँ से स्टेमन काट देंगे, जब फ्लावर मैच्योर नहीं हुआ, यानी कि ओवरी और पोलन मैच्योर नहीं हुआ, उससे पहले ये मेल पार्ट को काट कर अलग कर देंगे, इमेस्कुलेशन कर देंगे। ठीक है, जो फीमेल पार्ट है उसके स्टिग्मा को हम बैगिंग कर देंगे, उसको एक बटर पेपर से ढक देते हैं कि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन आकर इसके साथ पोलिनेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन ना कर ले। ठीक है, बैगिंग कर देंगे, फिर जिस पालन को हम इसके साथ फर्टिलाइजेशन करवा जाएंगे, उसको हम पेपर हटा के करवा के फिर से ढक देंगे, जब तक सीड ना बन जाए। ठीक है, इसे ढकते क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड पोलन ना जाए, मेल पार्ट को हटा देंगे, इसे बोलते हैं इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमेस्कुलेशन किस फ्लावर में होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर? केवल और केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन करने की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमें मेल पार्ट प्रेजेंट ही नहीं, केवल और केवल बैगिंग करनी पड़ेगी। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि उसमें केवल और फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है, तो केवल बैगिंग कर देंगे, इमेस्कुलेशन किसका कर देंगे? इमेस्कुलेशन तो नहीं करेंगे ना, फीमेल पार्ट को थोड़ी ना काट देंगे, फीमेल पार्ट को नहीं काटा जाता, मेल पार्ट को काटा जाता, तब हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पर वो अपना फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके अपना रिजल्ट देख देते हैं। ठीक है, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उससे क्या क्या कंक्लूजन मिलता है वो भी देखेंगे हम। पहले देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम क्रॉस करते हैं केवल और केवल एक कैरेक्टर को लेके, तब हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक करेक्टर लिया टॉल, एक करेक्टर लिया डॉट, केवल एक ही करेक्टर रहेगा, तो हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तब हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सॉरी,
यहाँ से अब इसका क्रॉस करवाइए कैसे आएगा, क्या क्या गैमेट बनेंगे, इसमें कितने गैमेट बनेंगे, दो गैमेट बनेंगे कैपिटल टी एक कैपिटल टी, इसमें भी दो गैमेट बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है ना, कैपिटल टी ए भी स्मॉल टी ए भी, तो यहाँ पे सीट कितने बनेंगे, इसका हम इसके साथ करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गई एफ वन प्रोजेनी। इसको पहले प्रोजेनी को क्या बोलते हैं, एफ वन प्रोजेनी, एफ वन मतलब होता है फिलेलियल जनरेशन, एफ वन प्रोजेनी। इसको हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं जिसका नाम है पुनेट स्क्वायर। पुनेट भाई ने एक मेथड दिया था जिससे आप गैमेट यानी कि सीड बनाने के मेथड आराम से निकाल सकते हैं। ये फोर्क लाइन मेथड है, फोर्क लाइन मेथड है, ठीक है, ये निकालने का तरीका फोर्क लाइन मेथड से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले एफ वन प्रोजेनी आ गए, फिर एफ वन प्रोजेनी को सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। एफ वन प्रोजेनी का मतलब टी टी से क्रॉस कर देंगे टी टी से, सिब मेटिंग, इसे बोलते हैं सिब मेटिंग, भाई बहन से रिश्ता हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, अगर आप इससे करवाएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये रिजल्ट आ गया, ये आएगा आपका एफ टू प्रोजेनी। इससे हमें दो कंक्लूजन पे दो कंक्लूजन मिलता है, पहला कंक्लूजन क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहला कंक्लूजन में मिलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या होता है, जब एक जीन पेयर में एक एलील में एक करेक्टर एक कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है एक फैक्टर एक एलील में जो एक फैक्टर अगर डोमिनेंट है अगर दूसरा रेसेसिव है तो केवल डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का लॉ है। अगर वो डोमिनेंट करेक्टर है तो जो रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इस करेक्टर में देखिए इस सीट में दोनों के दोनों रेसेसिव हैं तो दोनों दोनों के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो एक क्या होगा, ड्वार्फ होगा। इसमें ये कैपिटल है ये स्मॉल है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो ये क्या बनेगा, टॉल, ये भी टॉल ये भी टॉल, ये तीनों के तीनों टॉल है ड्वार्फ। तो अब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगी, फिनोटिपिक 3:1 जीनोटिपिक 1:2:1 आएगा। फिनोटाइप जो बाहर से दिखे, बाहर से ये भी टॉल दिख रहा है, ये भी टॉल ये भी टॉल, तीन टॉल एक टॉल। जीनोटाइप ये अलग है, ये दोनों सेम है, ये अलग है तो 1:2:1। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर एक फैक्टर डोमिनेंट है तो पूरा का पूरा कैरेक्टर डोमिनेंट ही होगा, यानी कि जो रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के मतलब होता है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन भी हैं, कौन कौन से दो एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हैज टू एक्सेप्शन, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, पहला क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जब यहाँ पे अगर एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ठीक है, तो जो कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है लेकिन रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये कैसा नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन एक्सेप्शन में क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पे एक रेड फ्लावर है और एक पिंक है, ये रेड है ये वाइट है फ्लावर है, ठीक है, हमने इसका रिएक्शन करवा दिया मतलब क्रॉस करवा दिया तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, एक ही सीट बनेगा ना, हाँ, तो ये कौन सा कलर शो करेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अगर हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से देखें तो ये कौन सा कलर शो करना चाहिए, रेड शो करना चाहिए ना, रेड कलर का फ्लावर होना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, क्योंकि एक डोमिनेंट है एक रेसिस है तो डोमिनेंट वाला कलर कौन सा, रेड, तो रेड शो करना चाहिए। ये रेड ना रेड शो करता है ना वाइट शो करता है, ये कौन सा कलर शो करता है, पिंक, दोनों के बीच के कलर शो करता है, इसीलिए इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पिंक शो कर रहा है,
ठीक है, क्यों पिंक क्यों सर्कल, जो कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल आर अपने आप को पूरा का पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, पूरा का पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। स्मॉल आर तो करता नहीं है, लेकिन स्मॉल आर कैपिटल आर को करने नहीं देता। ये मान लीजिए जो स्मॉल आर है रिसेसिव डोमिनेंट को बोलता है मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तू भी मत कर, तू भी मत कर, लेकिन डोमिनेंट है पूरी बात नहीं मानेगा, आधी बात मानता है, तो अपने आप को आधा एक्सप्रेस कर पाता है। इस वजह से यहाँ पे अलग कलर आ जाता है, ना डोमिनेंट आता ना रिसेसिव आता, बीच का कलर आता है, पिंक आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसका सिग मेटिंग करें आर 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 तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये चार गैमेट बनेंगे सीड। तो यहाँ पे कलर का कौन कौन से आएंगे, पहला आएगा रेड आएगा, पिंक, ये भी पिंक और ये वाइट, ये F1 जनरेशन था, ये F2 जनरेशन है। रेड पिंक वाइट, दो पिंक आए, दो पिंक के सीड आए, एक रेड एक वाइट, फादर वाला भी आ गया, पेरेंट भी आ गए और नया भी आ गया। यहाँ पे नई इंडिविजुअल, यहाँ पे वेरिएशन आ गया ना, तो वेरिएशन तो आता ही है, वेरिएशन ही दुनिया का नियम है। अगर वेरिएशन नहीं आ रहा तो आप गलत रास्ते पे हो, तो वेरिएशन कुछ ना कुछ वेरिएशन आना चाहिए। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जलापा गुलेवेंस 4 o'clock, आप इसको याद कर लेंगे, एनसीईआरटी में नाम दिया गया, क्या क्या नाम है, 4 o'clock फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जलापा गुलेवेंस, ये इसके नाम है। ठीक है, ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, 2 exception था, पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा क्या था यहीं पे बता देता हूं आपको, को डोमिनेंस। ठीक है, दूसरा को डोमिनेंस, को डोमिनेंस मतलब आपको दिख रहा, को मतलब को एक्टर, मतलब साथ, जो उनके काम साथ करते हैं, को एक्टर बोलते हैं ना, कोऑपरेटिव। तो को डोमिनेंस मतलब जो दोनों फैक्टर हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसे बोलते हैं को डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट में भी था, यहाँ भी है, यहाँ पे कैपिटल टी भी कर रहा है स्मॉल टी भी कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और कैटल को कैटल कलर है, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप मतलब अलग बीच का ही आएगा, ना टॉल होगा ना ज्यादा डॉर्फ होगा, बीच का ही सेगमेंट आएगा। तो ये होता को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, 2 exception थे इसके। अब तीसरा, पहला था क्या था, दो कॉन्क्लूजन मिले थे, होता है पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके 2 exception थे, दोनों बता दिया, कौन कौन से एक्सेप्शन थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस। दूसरा कंक्लूजन ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो एक फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकता, अलग हो गया, अब किसके साथ मिले, किसी के साथ भी फर्टिलाइजेशन करे रिएक्ट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसके साथ भी कर रहा है ये वाला, और ये वाला इसके साथ भी कर रहा है, ये वाला इसके साथ भी कर रहा है। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या, जब हम एक करेक्टर को लेकर क्रॉस करते हैं तब होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब हम चलते हैं, मूव करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है, हाँ, गैमेट निकालने का फॉर्मूला था 2n गैमेट निकालने का एक फॉर्मूला था 2n, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर। ठीक है, मैं लिखता हूँ पे पी पी सी सी, यहाँ पे निकालिए नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर कितना, 1, 2, 2 की पावर 2, यानी कि 4 गैमेट बनेंगे, 4 तरह के गैमेट बनेंगे, 4 तरह के बनेंगे, पॉसिबिलिटी 4 होगी, नंबर ऑफ गैमेट ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन मतलब जो बनेंगे उसमें 4 तरह के बनेंगे, 4 तरह के बनेंगे। ठीक है, 4 बनेंगे, बनाकर दिखाएं, देखिए ए बी सी, पहला ए बी सी,
ए बी सी, अब ये वाला ए, ये बी है ना, ए बी सी दूसरा, अब इसको लीजिए ए बी सी हो गया, कैपिटल बी कैपिटल ए सी स्मॉल बी स्मॉल ए सी। देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 ए बी सी ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी सी, चार हो गए, बी ए सी ये रहा, ए बी सी बी ए सी यहाँ पर रहा, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो कितने बने, 1 2 3 4 चार तरह के बनते हैं ठीक है। यहाँ पे आप मतलब चार तरह के बनेंगे, लेकिन ज़्यादा बन सकते हैं, बनेंगे चार तरह के। अब हम मूव करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा आपने, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, एक मिनट, आप लोगों ने देखा कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमने एक करेक्टर लेके क्रॉस करवाया था, तो हम उसने बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा जीनोटाइप रेशियो क्या रहा, फिनोटाइप रेशियो क्या रहा। अब हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, दो करेक्टर को लेकर क्रॉस करवाएंगे उसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर तीन करेक्टर को ले लेंगे तो उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड, चार लेंगे टेट्रा हाइब्रिड, लेकिन हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही पढ़ना है ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस सॉरी। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम यहाँ पे दो करेक्टर लेंगे, यानी कि ले लिया हमने टोल और कौन सा ले लें, हाँ टोल और राउंड ले लेते हैं, टोल और राउंड क्रॉस करवाएंगे, ड्वार्फ एंड व्रिंकल, ये टॉल और राउंड है, ये ड्वार्फ एंड व्रिंकल है, टॉल एंड राउंड, ड्वार्फ एंड व्रिंकल, ठीक है ये ड्वार्फ एंड व्रिंकल है, टॉल एंड राउंड है। अब यहाँ पे दो करेक्टर ना, टॉल है राउंड है ड्वार्फ है विंकल है, इसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसका जो F1 जनरेशन में रेशियो क्या आएगा, F1 जनरेशन में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये आएगा ठीक है। अब हम इसका सिगमेटिंग करते हैं, आप पुनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, पुनेट स्क्वायर क्या होता है, ऐसे बनाते हैं पुनेट स्क्वायर ठीक है। यहाँ पे आप गैमेट लिख दीजिए, जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का था टॉल टॉल लिया था और ड्वार्फ लिया था, तो टॉल में यहाँ पे टॉल लिखिए यहाँ पे ड्वार्फ, तो यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे ना, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ, चारों सेम बन रहे ना, वैसे भी करेंगे चारों सेम ही बनेंगे, ये होता पुनेट स्क्वायर। मोनो हाइब्रिड में इतना आया, डाई हाइब्रिड में कितने आएंगे, जितने सीड बनेंगे कितने बनेंगे, यहाँ पे कितने बनने हैं, कितने सीड बनने हैं बताइए, 4 की पावर n, कितने बक्से बनेंगे बता सकते हैं आप, 2 की पावर n, n क्या नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, एन की वैल्यू कितनी आई 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 16 बन जाएगा, यानी यहाँ पे 16 बक्से बनाने पड़ेंगे आपको तब जाके इसके बनेंगे ठीक है, ठीक है 16 बक्से बनाओगे तब जाके आप इसके बनेंगे। जब आप इसका क्रॉस करवाओगे तो रिजल्ट आएगा, मतलब 16 बनेंगे यहाँ पर, 16 तरह के सीड बन जाएंगे ठीक है। यहाँ पे गैमेट कितने बनेंगे, गैमेट कितने बनेंगे, इस वाले
पोर्शन में गैमेट कितने बनेंगे, चार इधर बनेंगे, चार इधर बनेंगे गैमेट, चार गैमेट इधर बनेंगे, चार गैमेट इधर बनेंगे। मैं चार गैमेट आपको बनाकर दिखा दे सकता हूँ, ठीक है। आप जो सीड है वो घर पे बनाइएगा आसानी से। यहाँ पे पॉइंट स्क्वायर बन नहीं पाएगा, छोटा पड़ रहा है एरिया, यहाँ पर बनाते हैं ना, दिक्कत का है, जगह की कमी नहीं है अपने पास। ठीक है ना, एक दो तीन चार, हाँ सही है। इधर क्या आएगा, ये हिस्सा टी टी आर आर, इधर क्या आएगा टी टी आर आर, ये है हमारा सीड। इसमें गैमेट बनेंगे टू की पावर एन चार, टू की पावर एन, एन मतलब टू, टू की पावर चार गैमेट बनेंगे, चार गैमेट इधर बनेंगे। कौन कौन से गैमेट बनेंगे, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, चार तरह के इधर बनेंगे, सेम इधर भी बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब सबका यहाँ पे आप बना सकते हैं, चलिए बना देते हैं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, बना कर दिखा देते हैं, इतना कर ही दिया तो। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, देखिए अब इसका देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस वाले को पकड़िए, इसका यहाँ पर, फिर इसका इसके साथ करके यहाँ पर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अब इसका इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर, अब इसका इसके साथ, सेम अब इसका इसके साथ करेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्या रहा, रिंकल एंड ड्वार्फ एंड रिंकल, ये वाला क्या रहा, टॉल एंड राउंड। यहाँ पे बताइए टॉल एंड राउंड कितने कितने आ रहे हैं, कितने टॉल एंड राउंड आ रहे हैं, कितने टॉल एंड रिंकल आ रहे हैं, कितने ड्वार्फ एंड राउंड आ रहे हैं, कितने ड्वार्फ एंड रिंकल आ रहे हैं। तो फिनोटाइप हो जाएगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप के रेशियो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिनोटाइप कितने होंगे, फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा और जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा। फिनोटाइप का मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, 9:3:3:1, ठीक है, 9:3:3:1, 9 कितने, 9 क्या होंगे, राउंड एंड टॉल एंड राउंड 9 होंगे, 3 होगा टॉल एंड रिंकल, 3 होंगे राउंड एंड ड्वार्फ, 1 होगा ड्वार्फ एंड रिंकल, ठीक है। ये होंगे, आप यहाँ पर खोज सकते हैं कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखिए 9 टॉल एंड राउंड, ये ऐसे लिख देता हूँ, 3 ड्वार्फ एंड राउंड, 3 रिंग टॉल एंड रिंकल, 1 ड्वार्फ एंड रिंकल, ये कंडीशन होगी, यहाँ पे खोज सकते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप का रेशियो होता है 1:2:2:1, देखिए ये होता है 1:2:2:1:4:4:1:2:2:1, कितना रहा है, 2 2 4 तो 6 4 10 16, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ भी 16 आ रहा है, तो ये हो गया जीनोटाइप, ये हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप ये एक ही बार है और ये एक ही बार है, चार बार कोई होगा, एक बार कोई होगा, दो, ये होगा जीनोटाइप, ये हो गया फिनोटाइप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस, आपको रेशियो पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो क्या होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पुनेट स्क्वायर से हम कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पुनेट स्क्वायर से हमने एक सारे के सारे सीट बना लिए, पहले गैम्बिट लिखेंगे इस तरफ, एक तरफ गैम्बिट लिखेंगे, फिर हम रेशियो बना लेंगे।
इससे भी एक कंक्लूजन निकलता है। यहाँ पर देखिए, हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया, यहाँ पे टॉल और राउंड है, यहाँ पे ड्वार्फ एंड विंकल, यहाँ पे दो करेक्टर है। करेक्टर तो है ना, लेकिन कोई सा करेक्टर किसी प्रोजेनी में आ सकता है, कोई इंडिविजुअल थोड़ी ना कि पहली प्रोजेनी में टॉल राउंड ही आएगा, पहली में भी ड्वार्फ एंड विंकल आ सकता है, दूसरी में कुछ और आ सकता है, तीसरी में कुछ और कॉम्बिनेशन में आ सकता है, हर में अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो किसी में फिक्स नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, कोई सा भी करेक्टर, हर करेक्टर एक ही बार नहीं आएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर इज प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल में अलग अलग करेक्टर आ रहे हैं। देखिए इसमें आ रहा है, ये एफ टू की प्रोजेनी है ना, तो आ रहा है इसमें, तो हर में अलग अलग सकता। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई सा करेक्टर किसी प्रोजेनी में कभी भी आ सकता है, अलग टाइप का करेक्टर हर प्रोजेनी में अलग अलग ही आएगा, ठीक है। सेम भी आ सकता, ऐसी बात नहीं है, सेम भी आ सकता है। देखिए चार सेम है ना, चार जीनोटाइप सेम है, चार भी सेम भी आ सकता, अलग अलग भी आ सकता। ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। अब ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ट्राइहाइब्रिड में यहाँ पे तीन करेक्टर ले लेंगे, टेट्राहाइब्रिड में चार करेक्टर ले लेंगे, उसके बारे में पढ़ के अपने टाइम की खराबी निकल। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। When F1 progeny is crossed with recessive parent, जब F1 प्रोजेनी को हम क्रॉस करते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ, वो होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। When F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट देन इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस होता क्या, हम देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, क्या आएगा रिजल्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस हम रेसेसिव पेरेंट के साथ कर रहे हैं, ये होता है टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 ही तो आ रहा है, 1:1 ही आ रहा है ना यहाँ पर। तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का रेशियो सेम होता है, 1:1। फिनोटाइप भी 1:1 है, जीनोटाइप भी 1:1 है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का रेशियो 1:1 ही रहता है, ठीक है, 1:1, 1:1। ये टेस्ट क्रॉस हेल्प क्या करता है, टेस्ट क्रॉस हेल्प इन जो F1 प्रोजेनी में जो भी सीड बना है वो डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, ये पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, यहाँ से आप देखकर पता लगा सकते हैं। आपको तो ये रिसेसिव पेरेंट है, इसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज है, लेकिन इसके बारे में नहीं है ना, ये आपको पता नहीं कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, तो आपको पता लग जाएगा। अगर देख लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे पता लगेगा, ठीक है। हाँ यहाँ पर जगह तो है, ये रहा, ये मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ हम क्रॉस कर रहे हैं, एक बार कैपिटल टी, एक बार कैपिटल टी के साथ, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, सेम ही आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे टॉल होंगे। यहाँ पर जो आएगा, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो जितने भी सीट बनेंगे सारे के सारे टॉल होंगे, सारे के सारे टॉल होंगे, और यहाँ पर टॉल भी होगा और ड्वार्फ भी आएगा। अगर टॉल के साथ ड्वार्फ आ रहा है तो या मतलब इसका मतलब है ये हेटरोजाइगस डोमिनेंट, तो F1 प्रोजेनी में सीड बना वो हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, अगर सारे के सारे टॉल आ रहे हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट है। टेस्ट क्रॉस से हमें ये पता लगता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस से कंक्लूजन क्या मिलता है, टेस्ट क्रॉस से अगर टेस्ट क्रॉस हम कर रहे हैं, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का करें या डाईहाइब्रिड का क्रॉस करें, फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा सेम आते हैं, क्या आता है, 1:1, ये हो गया मोनोहाइब्रिड का। अगर डाईहाइब्रिड का करेंगे क्या आएगा, 1:1, 1:1, 1:1, चार बार एक आ जाएगा, चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप, दोनों का रेशियो सेम रहता है, केवल 1:1, 1:1 होता है, ये होता है टेस्ट क्रॉस। When F1 प्रोजेनी क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट, ये F1 प्रोजेनी है, इसका हम क्रॉस कर रहे हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ, तब हम उसको बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस, ठीक है। एक होता है रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल में क्या होता है, मेल इधर है फीमेल इधर, तो फीमेल इधर जाके मेल इधर जाए, वो होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, उससे हमें करना कुछ नहीं है। आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, जब F1 प्रोजेनी को रेसिसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया जाए तब बोलते हैं।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसके बाद से टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, किसने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसने दिया भाई, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर वेवेरी ने दिया था, ठीक है भाई, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर वेवेरी। जब 1900 में तीन साइंटिस्ट, कौन से तीन साइंटिस्ट, ह्यूगो डेविरिस, कार्ल कोरेंस एंड वॉन टेस्टमार्क ने मेंडल की डिस्कवरी को रीडिस्कवर किया, तो उन्होंने, मेंडल ने बताया था ना कोई फैक्टर है जो जा रहा है, लेकिन बाद में जब और आगे 1900 के बाद 34 साल बाद तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, माइक्रोस्कोप आ गया, बहुत सारी चीज़ आ गई, तब हमें पता चला कि वो जीन नहीं जा रहा है, जीन नहीं जा रहा अकेले अकेले, वो क्रोमोजोम जा रहा है, क्रोमोजोम पर जीन प्रेजेंट होता है, तो उन्होंने दिया था, तब पता चला था क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तब पता चला था जीन नहीं है, जीन तो क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है जो इनहेरिट कर रहा है, लेकिन ट्रांसफर कौन होता है, क्रोमोजोम होता है, तब उन्होंने दिया था क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो एक एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया बड़ा सा, वो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का डायग्राम दिया, वो आप समझ सकते हैं क्रोमोजोम मेटाफेज स्टेज में, प्रोफेज में, एनाफेज में क्या होता है, या आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे वही चीज़ें वहाँ पर होती है, ठीक है। लिंकेज बाई थॉमस हंट ने, एक टॉपिक्स और रह गया देख लेता हूँ एनसीईआरटी, हाँ लिंकेज किसने दिया था, लिंकेज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोजोम इज कॉल्ड लिंकेज, लिंकेज दिया था मॉर्गन ने, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला पे, मेल ड्रोसोफिला पे, मिलेनोगास्टर ड्रोसोफिला पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिया था लिंकेज, बताया था लिंकेज क्या होता है, एक क्रोमोजोम पर, मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, यहाँ पर एक जीन स्थित है, यहाँ पर एक जीन स्थित है, ये जितना पास पास में रहेंगे, जितना एक दूसरे से लिंक रहेंगे, उतना ही इनहेरिटेड होने के चांस इनका कम होगा, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, जितना आपस में पास पास होंगे उतना ही दूसरे के साथ रिकॉम्बाइन नहीं करेंगे, अगर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो इनके रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इनके, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में लिंक हैं, ये रिकॉम्बाइन नहीं हो सकते, लेकिन ये आराम से रिकॉम्बाइन हो सकते हैं, यानी कि ये दूसरे के साथ जा सकता है, ये दूसरे के साथ, लेकिन ये दोनों आपस में रिकॉम्बाइन नहीं हो सकते, ये होता है लिंकेज, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी, रिकॉम्बाइन मतलब क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं, अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर होगी, एज बढ़ जाता है तब भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती है, ठीक है, एज बढ़ता है तो क्रॉसिंग ओवर घट जाती है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती है, टेम्परेचर बढ़ा दो तब क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाती है, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें तब भी क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हो जाती है, तो जितना जीन आपस में लिंक रहेगा तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल किया था ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर पे, ठीक है। यहाँ पर एक जीन की सीक्वेंसिंग बनाई थी, इनके स्टूडेंट थे स्टूटीवांट, उन्होंने जीन की सीक्वेंसिंग बनाई थी स्टूटीवांट ने, ठीक है। वो जीन की सीक्वेंसिंग कैसे बनाई थी उसका एक क्वेश्चन आया था, आता है ये क्वेश्चन सीधा पूछा था स्टूटीवांट के बारे में, जीन मैप करके बनाया था उन्होंने, ठीक है। उसका क्वेश्चन आता कैसे वो देख लेते हैं हम, जीन मैप अगर क्वेश्चन में आ जाए, ए बी जीन है वो 10% की लिंकेज कर रहे हैं, ठीक है, बी और सी है वो कर रहे हैं 5% की, और ए और सी वो कर रहे हैं ये भी 5% की कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस क्या होगा, इन तीनों जीन अरेंज कैसे होंगे, तो कैसे होंगे, ठीक है, जो आप ए बी है, जो सबसे दूरी सबसे बड़ा नंबर है उसको आप लिख लीजिए ए बी 10, अब बी सी में कितना है 5%, अब यहाँ पे सी इधर भी आ सकता है 5%, ठीक है, ए बी सी ये अरेंजमेंट सही है नहीं, क्योंकि ए सी भी दिया ना, ए से सी भी 5% है, ए से सी कितना हो जा रहा 15 हो जाता, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 ये हो गया 5, ये देखिए ए इसका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, ए सी बी, ए से सी 5 ये भी सही, ए से बी 10 ये भी सही, बी से सी बी सी भी 5 है ये भी सही,
तो ये अरेंजमेंट होता है। आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना होता, अगर यहीं पे मैंने ए सी 15 दिया होता तो ये 15 यहाँ पर जाता, इसका अरेंजमेंट कैसा होता, ए बी सी। आप ए सी बी लिखे या बी सी ए लिखे, आप इसे सीधा लिखो या उल्टा लिखो ये सही है, आप इसे ए बी सी लिखो या सी बी ए ऐसे लिखो ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। आप कोई सीधा उल्टा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा लिखो या उल्टा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आंसर दोनों में से कोई एक रहेगा उसे क्लिक कर देना। अगर ऑप्शन ए बी सी नहीं है तो सी बी ए टिक कर दो, आंसर आपका सही है, ठीक है। ये था लिंकेज। अब हम देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया होगा, आपने वहां पर सेक्स रिप्रोडक्शन मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता आपको पता होगा। अगर एक्स सेक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है, ये होता है ह्यूमन में, ठीक है। अगर जेड डब्ल्यू फीमेल है, जेड जेड मेल, बर्ड में कैसा होता, जेड डब्ल्यू फीमेल जेड जेड मेल, बर्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता, जेड डब्ल्यू फीमेल एंड जेड जेड मेल। यहाँ पर फीमेल हेटरोगेमेटी पाई जाती है, बर्ड में फीमेल हेटरोगेमेटी पाई जाती है और ह्यूमन में मेल हेटरोगेमेटी पाया जाता है। मेल कैसा होता है ह्यूमन में, एक्स वाई यानी कि हेटरोगेमेटी, हेमीजाइगस बोल लीजिए, हेटरोगेमेट बोल लीजिए। फीमेल में यहाँ पे हेटरोगेमेटी पाई जाती है बर्ड में, ठीक है। अब मेल ग्रास होपर में, होपर में क्या होता है, यहाँ पर भी एक्स एक्स फीमेल होता है, एक्स एक्स फीमेल होता है एंड एक्स जीरो मेल होता है। जो मेल है वो भी हेट्रोगेमेट लेकिन वहाँ पे एक गैमेट अब्सेंट है। फीमेल में अगर 26 गैमेट है तो यहाँ पर 25 ही गैमेट होगा, 25 क्रोमोजोम ही होगा, एक गैमेट अब्सेंट है। अगर एक गैमेट अब्सेंट होगा तो मेल होगा, अगर दोनों परसेंट होगा तो फीमेल होगा। ये बर्ड्स का होता है, ये ग्रासहॉपर का होता है। हनी बी में कैसा होता आपको पता होगा, हनी बी में अगर कोई लड़का है तो ना उसका बाप होता है ना उसका बेटा होता है, उसका दादा होता है, उसका पोता होता है, ये होता है हनीबी में। हनीबी में हम सेक्स डिटर्मिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट मतलब आगे जो चैप्टर आएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे उसके बाद से हमारा चैप्टर खत्म। जेनेटिक डिसऑर्डर में वैसे तो हमें पढ़ना नहीं चाहिए, यहाँ पे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पे बता देते क्या क्या दो डिसऑर्डर दिया, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर दिया, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिया, ठीक है। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल क्या डिसऑर्डर क्या ऐसा होता है, अगर क्रोमोजोम की एनिप्लॉयडी पॉलीप्लॉयडी होने की वजह से, कुछ क्रोमोजोम हमारे अंदर कितने होते हैं 46 होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं, एनिप्लॉयडी या पॉलीप्लॉयडी हो जाए, हमारा क्रोमोजोम नंबर ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा तब भी हमारी बीमारी होगी, कम हो जा रहा है 40 से 45 हो गया तब भी हमें बीमारी होगी, तो ये होता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो जीन की वजह से होता है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट म्यूटेशन हो जा रहा है, किसी भी जीन में पॉइंट म्यूटेशन हो जा रहा है तब भी हमें डिजीज हो जाता है, ठीक है, तब भी हमें डिजीज हो जाता है, ठीक है। वो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्या होता है पता है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी या 21 क्रोमोजोम, जो 21 क्रोमोजोम है उसकी एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, वो ट्राइसोम हो जाता है, रहना तो ये दो ही रहने चाहिए लेकिन एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, उसकी वजह से बीमारी हो जाती थी। एक होता क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक होता टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, 46 क्रोमोजोम होता है वहाँ भी 47 हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर हो जाता है एक्स एक्स वाई। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में X, X, Y हो जाता, टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस X 0। यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी हो जा रही है, यहाँ पे पॉलीप्लॉयडी, एक क्रोमोजोम बढ़ गया, यहाँ पे एक क्रोमोजोम घट गया, यानी कि ये मेल नहीं रहा, ये इसमें फीमेल वाले करेक्टर भी आ जाएंगे लेकिन ये तो फीमेल नहीं रही अब। इसमें फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होंगे कुछ, भाई एक कैरेक्टर एक क्रोमोजोम ही कम होगा तो बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। ये होता है टर्नर सिंड्रोम, ये आपके पता होना चाहिए। यहाँ पे कितने क्रोमोजोम रहेंगे, यहाँ पे 45 रहेंगे, यहाँ पे 47 क्रोमोजोम रहेंगे।
अब आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन से डिजीज आती है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल क्यूटेनूरिया, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। ऑटोसोमल क्या होते हैं और एक्स लिंक्ड क्या होते हैं? ऑटोसोमल वो होते हैं जो जीन की पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड क्रोमोसोम के सिक्स पोजीशन पर, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे पॉइंट म्यूटेशन होने का कारण वैलिन प्रेजेंट हो जाता है। एक अमीनो एसिड के चेंज की वजह से एक डिजीज हो जाता है, उससे क्या होता है आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, राउंड शेप के ओवल शेप से सीधा सिकल शेप हो जाती है, ठीक है। ये होता है ऑटोसोमल। और एक्स लिंक रिसेसिव क्या होता है, एक्स लिंक पे रिसेसिव करेक्टर प्रेजेंट आता उसकी वजह से होता है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता, अगर ब्लड अगर हमें कहीं कट लग जाता तो कुछ टाइम बाद क्या होता, ब्लड कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। कैस्केड थ्योरी तो पड़ी होगी ब्लड कोगुलेट होने की। अगर जिसे हीमोफीलिया, अगर कट लगेगा तो वहाँ पे ब्लड बहता रहेगा, वहाँ पे हीमोफीलिया नहीं हो, मतलब कोगुलेट नहीं होता, ब्लड जमता नहीं है, ब्लड बहता रहता है, ये होता है वहाँ पे। ये बीमारी फीमेल में बहुत कम होती है, मेल में ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड है, फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स दो एक्स प्रेजेंट, अगर एक एक्स पे है कलर ब्लाइंडनेस है लेकिन एक एक्स तो सही है तो ये सारा काम संभाल लेगा, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं। लेकिन जो फीमेल होगी ये कैरियर होगी, ठीक है, कैरियर होगी किसके लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। हीमोफीलिया यहाँ पे फीमेल को हीमोफीलिया, अगर मेल है, मेल के पास एक ही है ना एक्स वाई, इसे हीमोफीलिया हो जाएगा, एक्स सी वाई इसे कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसे मेल को कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया आसानी से हो सकता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि लंदन में जो क्वीन फैमिली है, क्वीन विक्टोरिया, वहाँ उनकी फैमिली में थी, इसलिए उसे रॉयल डिजीज भी बोला था, रॉयल परिवार से ना तो रॉयल डिजीज भी बोला था, इसलिए वहाँ पर राजा नहीं रानियाँ होती, राजा को कट लगेगा बेचारा मर जाएगा, हीमोफीलिया था उन्हें। हीमोफीलिया क्यों था, क्योंकि वो आपस में ही मेटिंग करते थे, मतलब बाहर शादी नहीं करेंगे, तो वहाँ पे क्या जाता था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का ऐसा ज़्यादा शिकार होता, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से ज़्यादा आपस की फैमिली में अगर बाहर करते और इन एक सिंगल आउटक्रॉस हेल्प इन ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एक अगर एक सिंगल आउटक्रॉस करवा देंगे आप तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर देगा यानी खत्म कर देगा, तो लेकिन ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन के शिकार। यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है, आपको सारी बातें बता दी गई हैं, लेकिन अगर डिजीज में थोड़ा अच्छे से नहीं बता गई, ये आपको हेल्थ एंड डिजीज में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक साथ एक पूरे के पूरी जितनी भी डिजीज है एक वीडियो में आपके लिए कवर करके ला दिया जाएगा, लेकर आएंगे हम, आप उसे करेंगे, आपका सारे के सारे डिजीज अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।